नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान में मौसम विभाग ने 18 से अधिक जिलों में भारी बरसात की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सावन माह जाने के बाद अब भादवा माह में हो रही बरसात ने आम जनता को गर्मी से निजात दिलाई है। वहीं किसानों के लिए वरदान साबित हो रही बरसात ने अधिकतर जिलों में तबाही मचा रखी है। वहीं 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना भी जताई है। इन जिलों में कुछ जगहों पर झमाझम और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की राजस्थान मौसम विभाग के द्वारा संभावना जताई गई है, तथा साथ ही में चेतावनी भी सभी लोगों के लिए दे दी गई है। राजस्थान मौसम विभाग के द्वारा उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा संभाग में बारिश की संभावना के साथ बारा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली, राजसमंद, बांसवाड़, सिरोही, सवाई माधोपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर इत्यादि जिलों में बरसात की पूरी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही सीकर, झुंझुनू, अलवर जिलों में भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। इनमें गरज के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को आप तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको राजस्थान से जुड़ी हर अपडेट इस चैनल के माध्यम से आ सके। और आप भी अपने क्षेत्र ग्राम ढाणी का मौसम विभाग से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में अपने ग्राम क्षेत्र ढाणी का नाम जरूर लिखिए। इनमें से साथ ही कुछ जगहों पर भारी बारिश और कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश होने की भी राजस्थान मौसम विभाग के द्वारा संभावना व्यक्त की गई है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले 48 घंटों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन भी निकाला गया था और अलर्ट जारी कर दिया गया था। और इससे पहले जयपुर में भी इतनी तेजी से बरसात आई थी कि 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे बहुत ही आम जनजीवन भी व्यस्त हो गया था। तो दोस्तों, अब ये चलती हुई बरसात है और बाद में आई है, सावन में तो बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई, बाद की बरसात है तो ये बहुत ही खतरनाक बरसात होती है और पूरे प्रदेश में इसका कहर मचा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी जो कि राजस्थान मौसम विभाग से संबंधित थी, पूर्व अनुमान से संबंधित थी। आगे भी अलर्ट किया हुआ है अभी जिलों को और आगे भी बरसात और भी अधिक बताई गई है। तो दोस्तों, आप सभी राजस्थान किसान भाइयों से निवेदन है कि आप अलर्ट रहें। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी राजस्थान मौसम पूर्वानुमान से संबंधित। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना, क्योंकि आप राजस्थान के निवासी हैं और मैं भी राजस्थान का हूँ। राजस्थान से जुड़ी हर जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको सही समय पर मैं साथ साथ अपडेट करवाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।